एक ऐसा विधान बनाया जिसमें कहा गया कि औरत केवल उपभोग की वस्तु है, उसको किसी तरह के हक अधिकार नहीं है। आज उन हक अधिकारों को नहीं दिया गया था, तभी महिला को यहाँ तक आने में इतना लंबा समय लगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति जला करके ये साबित कर दिया कि महिला इस देश ही नहीं, इस दुनिया की सृष्टि की रचनाकार है। क्योंकि पुरुष आज जमीन का हकदार है तो वो कहीं ना कहीं महिला के विरुद्ध कानून बना रहा है। तो ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबक के तौर पर मनुस्मृति जला करके साबित कर दिया कि नहीं, महिला भी समान है। स्मृति तो जली लेकिन वो विचार नहीं जला, वो विचार आज मैं वही बात कहना चाहती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे उस विचार को जलाएंगे, मेरे जैसी बेटियां जलाएंगी। और हजारों बेटियां हैं जो विचार अभी भी समाज में व्याप्त है, जिस विचार की किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई, उस विचार को जलाने के लिए हम लोग तैयार हैं, उसको हम जलाएंगे। औरतों के बीच में वो विचार व्याप्त है, उस औरतों के बीच में से उस विचार को उखाड़ कर हम लाएंगे, उसको खत्म करेंगे और समानता का जो विचार है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उसको लागू करवाएंगे। तमाम लोग कहते हैं कि मनु का विधान ठीक है, ये वही लोग कहते हैं जो जातियों में विश्वास रखते हैं, औरत को पैर की जूती मानते हैं, अपनी ही माँ के हाथ का खाना खा करके उसी के हाथ को मरोड़ने का काम करते हैं, अपनी बहन के हाथ के कपड़े पहनकर धुले हुए उसी बहन को कपड़े पहनने की अकल सिखाते हैं। ये वही घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि मनुस्मृति अच्छी है, जो परजीवी हैं, जो दूसरों की कमाई पर खाना चाहते हैं कि एससी ओबीसी और माइनॉरिटी कमाए, मेहनत करे और ये बैठ करके परजीवी एक जगह पर खाते रहे, पेट फुलाते रहे। तो ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानने की बात करते हैं। आप लोग कहते हैं कि मनुस्मृति का राज आने वाला है देश में, क्यों कहते हैं ऐसा जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी? इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान के विरुद्ध लगातार सरकारें काम कर रही हैं। इस देश के अंदर जो व्यवस्था में बैठ करके मजबूत लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो संविधान पर लगातार वार कर रहे हैं। वो लगातार मनुस्मृति की सोच को दिमाग में रख करके संविधान के विरुद्ध हर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि देश के अंदर वो लोग फिर से मनुस्मृति को लागू करके मनुस्मृति से हांकना चाहते हैं समाज को। लेकिन आज देश लोकतंत्र का स्वाद चख चुका है, यहाँ कोई भी महिला ना मनुस्मृति को मानने वाली है ना लागू होने देने वाली है। खासकर हम जैसे लोग तो करोड़ों हैं इस देश के अंदर, मर मिट जाएंगे लेकिन मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे। आप लोग कहते हैं मनुस्मृति जो महिला विरोधी है, लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है। अरे वो तमाम लोग वही तो है, मैं वही बता रही हूँ ना, वही तमाम लोग। मुझसे एक आदमी आकर के कह दे कि मनुस्मृति अच्छी है, बहस कर ले मनुस्मृति अच्छी है कि संविधान अच्छा है। मनुस्मृति कितनी अच्छी थी, जब मनुस्मृति अच्छी थी तो औरतों को जिंदा जला दिया जाता था चिता में, जब मनुस्मृति थी तब क्या कहते हैं महिला का मुंडन कर दिया जाता था, जब मनुस्मृति थी तो महिला का पहला बच्चा, दलितों का, ओबीसी का पहला बच्चा जो है गंगा में सिराने का प्रावधान था, अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म करा, सती प्रथा को अंग्रेजों ने खत्म करा कि नहीं इंसान को जलाना एकदम अपराध है, किसी भी महिला को जलाना ये किसी भी रूप से ना तो ये मानवीय रूप से ना नैतिक रूप से गलत है। महिलाओं के लिए इतना खतरनाक थी मनुस्मृति तो फिर क्यों नहीं आज आ रही बात? कारण यही था कि उन्होंने कभी समाज के बीच में, उन्हें समाज से जोड़ा नहीं गया, उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद रखा गया। खाना बनाओ, बच्चे पालो, बच्चे पैदा करो, पति की सेवा करो, पति परमेश्वर है। तो पति परमेश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में डाला तो उसने बाकी दुनिया से मतलब ही नहीं रखा, उसे लगा पति परमेश्वर है और घर का काम मेरा पति करा रहा, कोई बाहर का तो करा नहीं रहा। तो पति परमेश्वर बता करके पूरी महिला जाति को मनुस्मृति ने गुलाम बनाने का पूरा साजिश रचा। महिला जाति को या सिर्फ बहुजनों को, दलितों को? नहीं, मनुस्मृति के मुकाबले कोई दलित की महिला या ओबीसी की महिला नहीं, पूरी महिला जाति नीच है। महिला तो कर रही है सब काम, देखियो तो वो कर रही है। अगर व्यवस्था में महिलाएं हैं शिक्षित होकर के तो वो शिक्षा के बल पर है, वो किसी मनुस्मृति के बल पर नहीं है। और अगर वह शिक्षा के बल पर अगर वह किसी प्रशासनिक कुर्सी पर बैठी है और मनुस्मृति का पालन करने की बात करती है, उसको अच्छा बताती है, तो उनसे बड़ी दोगली और घटिया मानसिकता की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप कह रहे संविधान खतरे में बदलने बात, राहुल गांधी भी संविधान बचाने निकले देखिए देश। देखिए संविधान को राहुल गांधी जी ने अगर देश के अंदर, उनकी सरकार अब तक सरकारें रही, अगर कांग्रेस अब तक देश की जनता को संविधान के आर्टिकल के बारे में, अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में आम जनता तक पहुंचाती तो आज राहुल गांधी को अकेले संविधान बचाना नहीं पड़ता। इस देश की जनता, इस देश के गरीब लोग, गांव के लोग खुद संविधान को बचाते। आजादी के 75 वर्ष बाद भी, संविधान के 75 वर्ष
बाद भी आज आम नागरिक, गरीब नागरिक, मजदूर नागरिक ये नहीं जानता कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। तो जिन लोगों ने जाना उन्होंने जल्दी जल्दी उसको खत्म करने की भी कोशिश करी, साजिश के तहत लागू करवाया, साजिश के तहत खत्म करवा रहे हैं। बहुत तेजी से वो बहुत ज्यादा ऊपर है, कहते हैं ना फॉरवर्ड क्लास, तो जो भारत के अंदर फॉरवर्ड क्लास है बहुत जल्दी से चीजों को खींचती है और बहुत जल्दी से इस्तेमाल कर फेंक देती है, तो वही चीजें आज देश के अंदर है। लेकिन मनुस्मृति का जो आज प्रोग्राम होता है ये सिर्फ दलित ही क्यों मनाते हैं, और कास्ट के लोग क्यों नहीं मनाते, और महिलाएं क्यों नहीं मनाती हैं इसको? वो जो है ना भेड़ है, भेड़ भेड़ को डंडा मार के हांका जाता है ना, वो बैसी वाली भेड़ है, वो आज भी मनुस्मृति के हांकने से चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस भीड़ में से निकल कर आ चुके हैं, कह रहे कि भेड़ों की भीड़ में हमें नहीं रहना है। जब भारत के अंदर हमें समानता का अधिकार मिल गया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला करके ये साबित कर दिया कि ये धर्म ग्रंथ किसी का भला नहीं कर सकता, आज ये लोग एहसान मानते हैं, बाकी लोग एहसान फरामोश हैं। आज एससी समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के किए हुए कामों का एहसान मानता है, क्योंकि उनकी बेरंग तस्वीर में अगर रंग भरा किसी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भरा। यदि ओबीसी की महिलाओं की बेरंग तस्वीर में रंग भरने का काम किया तो बाबा साहब ने किया, या इस देश की समस्त जाति की, समस्त धर्मों की महिलाओं के लिए अगर अधिकार दिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनुस्मृति जलाते हैं तो वो ये नहीं कहते मैंने जलाई तुम इस बात को एकदम मान लो, वो कहते हैं कि पहले इस मनुस्मृति को पढ़ो कि इसमें है क्या चीज, उसके बाद तुम इसको जलाना। लेकिन फॉरवर्ड महिलाएं नहीं आती है, देखिए बाहर वो सब कुछ मिला उन्हें संविधान से मनुस्मृति के बाद, वो फिर भी नहीं आती बाहर, आप ही लोग आते हो सड़कों पे। फॉरवर्ड महिलाएं को ज्यादा दिक्कत है इससे, फॉरवर्ड महिलाओं को भाई मान लो आज जब वो फॉरवर्ड महिलाएं ऊंचे स्तर पर बैठे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एससी की महिलाएं उनके कपड़े धोके देती हैं, घर में काम वाली बाई बना रखी हैं, उनके कपड़े प्रेस करके देती हैं, उनके क्या कहते हैं बच्चों को खिलाती हैं, वो पैसा कमाती हैं, वो उनकी नौकरानी बनी हुई है, तो व्यवस्था में वो तो आज भी ऊपर ही है, तो वो क्यों विरोध करेंगी, उन तो मजे आ रहे हैं। तो ये मजे लूटने वाली महिलाएं भी जान लें कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आप लोगों को यहाँ बैठने की जगह मिली है, वरना जूती माना जाता था पैर की जूती, एक पुरुष कितनी भी महिलाओं के साथ शादी कर सकता था और महिला नहीं कर सकती थी, तो ये संविधान में अधिकार मिला है बाबा साहब का एहसान। पर ये तो व्यवस्था का परिवर्तन है, तो विचार का परिवर्तन है, तो इसमें तो समय लगेगा। अभी बहुत सारे लोग पहले इस तरह के कार्यक्रम नहीं मनाते थे, अब इस तरह कार्यक्रम होने लगे हैं, तो ये सामाजिक लोग अभी लगे हुए हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, जितनी उनके पास कम संसाधन है उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी परिवर्तन का एक समय पर आपके पास मैं नहीं बोल सकती थी, मैं सिर्फ घर और बच्चे जानती थी, लेकिन आज बोल रही, परिवर्तन है। हर महापुरुष के जाने के बाद ना कुछ स्पेस ऐसा खाली रह जाता, उस समय पर क्रांति नीचे कहीं ना कहीं तैयार हो रही होती है, पनप रही होती है, और 10 से 20 साल का ऐसा गैप होता है जहां फिर से दोबारा इस देश के अंदर इस दलितों में, बहुजनों में और ओबीसी में, पिछड़ों में एक महापुरुष पैदा होता है। तो हो सकता है ये वही पीरियड है जब लग रहा है कि कुछ नहीं है, उसी समय पर लगा। आज का दिन बड़ा दिन खास है महिलाओं के लिए, खासकर आप जैसी महिलाओं के लिए। देखिए खास तो होगा ही, जहाँ कहा गया कि सृष्टि का जितना भी लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा खाना भोजन खा रहे हैं, वो सब केवल ब्राह्मणों की देन है।